नीचे वालों को जरूरत ही नहीं है, वो दूर है। मेरा भी घर है, ये मेरा भी घर है, ये मेरा भी घर है, ये मेरा भी दरवाजा है। कबाड़ा डल रहा था, पर निगम के अधिकारियों से बात हुई है। MNA साहब आए थे, उन्होंने कहा था हम यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे, और पूरे वार्ड 7 का 8 का और 9 का, तीनों वार्ड का कूड़ा मायाकुंड के क्षेत्र में डल रहा है, और यहाँ से इसकी जनता बहुत परेशान है। मायाकुंड क्षेत्र की बाजार का कूड़ा ला के यहाँ डाल रहे हैं, और जितना कूड़ा यहाँ से नहीं निकल रहा है उससे ज़्यादा बाजार का कूड़ा आ रहा है, और ये सारा का सारा कूड़ा सड़क तक पहुंच जाता है, जिससे गाय बैल बकरी सभी चीज़ यहाँ पे कूड़े पे बिनकती है। इससे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, और आने वाले टाइम पे अगर प्रशासन इसको सही नहीं करेगा तो जान मानी का खतरा है, और बीमारी का भी बहुत भय है। और सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन सामने है, आप आइए वोट मांगने, हम देते हैं वोट की जगह आपको चोट देंगे हम। ये जो ये कूड़ा डल रहा है चौराहे पे, हम इसको मना कर रहे हैं कि कूड़ा ना डले। जो हमारा एंट्रेंस है, ठीक है, हमारे घर जाने का रास्ता है, यहीं पर ही कूड़ा डल रहा है। यहाँ 2 दिन का कूड़ा हटा तो ऊपर वालों को परेशानी हो रही है कि यहाँ कूड़ा ना डले, ठीक है, दोबारा कूड़ा डालने के लिए यहाँ मजबूर किया जा रहा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है यहाँ से जाते हैं आते हैं, ठीक है, तो सबको परेशानी होती है, बरसात में सबको इधर से घूम के जाना पड़ता है, बार बार कूड़ा यही डाला जा रहा है, हमें प्रॉब्लम होती है आपसे, ठीक है, तो यहाँ कूड़ा ना डले यहाँ पे। यहाँ तो यहाँ पार्षद के चक्कर में हो रहा है, जो ऊपर वाले प्रेशर कर रहे हैं कि कूड़ा यही डले। क्या हम ये छोटी बस्ती में रहते हैं, हमारे हमें कोई हक नहीं यहाँ पर रहने का? ये ऊपर वालों का हक है कि वो साफ एरिया में रहे, और हमारा हक नहीं हम गंदगी में रहे, ये चक्कर है। ठीक है, हमें मलिन बस्ती में रहते हैं, मलिन बस्ती बोला जाता था, ये बंगाली कॉलोनी है, ठीक है, जो भी हमारा एंट्रेंस है, क्या लोगों को साफ सफाई में रहने का कोई अधिकार नहीं है?